ये सब यहाँ पे चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखो, ये है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बाकी अभी तो मैं ना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए निकल चुका हूँ मेरे घर से। बस अब जयपुर वाली बस का इंतज़ार है, और जैसे ही बस आएगी तो उसमें बैठ कर अजमेर निकल जाएंगे। बाकी अभी तो यार बरसात का मौसम भी हो रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा नज़ारा है अभी। आखिरकार हम आ ही गए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो चलो फिर एक बार आपको मैं पूरा का पूरा व्यू बता देता हूँ। ये देखो, ये है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ये देखो भाई साहब, इतना बढ़िया है गेट। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कॉलेज के अंदर तो हम आगे हैं, तो अब एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। इधर तो वो जो खुला विश्वविद्यालय कोटा होता है ना, ये देखो इधर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, वो इधर है कॉलेज का। बाकी जो मेन कॉलेज है ना, जिस तरफ की हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वो इधर है और वो 10 बजे खुलेगा। बाकी इधर देखो तरह तरह के पेड़ हैं। देखो जैसे कि ये सफ़ेद सफ़ेदे का है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है वो है। सारे देखो कितने बढ़िया तरीके से लगाए गए हैं सारे के सारे पौधे। बाकी इधर है ना जिम्नेशियम भी है एक, तो उसका भी एक बार व्यू बता देता हूँ आपको कि कैसा क्या है कैसा नहीं है। ठीक है, ये देखो भाई साहब, ये है जिम्नेशियम। वो देखो वो लिखा हुआ है वहाँ पर, यहाँ पर जिम होता है और जो भी करना चाहे जिम वो कर सकता है यहाँ पर आकर। देखो सारे योग कर रहे हैं। और सामने जो है ना वो है महाराणा प्रताप वाटिका। तो चलो फिर वहाँ पर चलता हूँ और फिर वहाँ से व्यू बताता हूँ कि उधर का कैसा लग रहा है, उधर का कैसा है, उधर का कैसा है। ठीक है भाई साहब, मैं तो है ना देखो पहली बार तो आया हूँ, और मैंने है ना पूरी परमिशन ली है वो जो गार्ड होते हैं ना उनसे कि मैं ले सकता हूँ व्लॉग में, नहीं ले सकता। उन्होंने कहा ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तभी मैं ले रहा हूँ। बाकी मैं 2-3 जनों से पूछा है, उनके अलावा भी उन्होंने बोला कि ले लो। तो ये देखो, ये है महाराणा प्रताप वाटिका, और वो देखो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो है ना एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब मैं ना आपको इसमें जाकर भी बताता हूँ महाराणा प्रताप वाटिका में। तो चलो फिर चलते हैं अंदर। देखो एक बार कितना बढ़िया व्यू है यार। अभी मैं आपको है ना एक बहुत ही बढ़िया तरह का फूल, या हिंदी में कहे तो पुष्प बताने जा रहा हूँ। ये देखो भाई साहब क्या मस्त है, कितना बढ़िया फूल है। बाकी ये जो सामने है ना मेन, ये है हमारे महाराणा प्रताप जी, ये देखो। और इस वाटिका का नाम ही है महाराणा प्रताप वाटिका। तो एक बार मैं आपको पास में जाकर फिर पूरी जो मूर्ति है महाराणा प्रताप जी की वो बताता हूँ। ये देखो भाई साहब, अभी तो क्या यार वो बादल है ना, तो इसलिए थोड़ी ब्लैक एंड वाइट आ रही है मेरी वीडियो। बाकी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर एक फंवारा भी है, और बाकी यार ये देखो ये पेड़ कितना अच्छा है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया है। ये देखो भाई साहब, अब ये किसका पेड़ हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं आपको इस पेड़ का नाम बता पाऊँ। अगर आपको पता है तो बताना यार। भाई साहब एकदम वो जो मशरूम होते हैं ना वैसे ही टाइप का है ये पेड़, उस शेप में, तो कुछ ऐसे ही है
महाराणा प्रताप वाटिका। तो अब मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बताता हूँ, कॉलेज में और भी चीज़ें हैं। तो चलो, महाराणा प्रताप वाटिका तो हमने देख ली है, बाकी उधर है वॉलीबॉल कोर्ट, तो पहले उधर चलते हैं फिर दूसरी जगह चलेंगे कॉलेज में, ठीक है। ये चल रहे हैं हम वॉलीबॉल कोर्ट में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वॉलीबॉल कोर्ट। ये देखो भाई साहब कितना बढ़िया है वॉलीबॉल कोर्ट। ये वाला तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो वॉलीबॉल का कोर्ट है, बाकी वो वाला कौन सा कोर्ट है, किस चीज़ का कोर्ट है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी हो सकता है वो भी वॉलीबॉल का ही हो, लेकिन जितना मुझे पता है वॉलीबॉल का उसमें ऐसा कोर्ट तो नहीं होता है। बाकी ऐसा कैसे किस गेम में होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना यार। बाकी ये देखो सामने कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है यार, वो जो है ना वो है महाराणा प्रताप सभागार। तो चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर भी वहाँ से भी मैं आपको पूरा व्यू बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ कॉलेज में, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा पहला दिन है वो बहुत ही बढ़िया रहे, यादगार हो। ये देखो भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर महाराणा प्रताप सभागार। ये देखो भाई साहब ऐसा है कुछ नज़ारा। अभी मैं आपको है ना ऊपर चलता हूँ यहाँ से वहाँ तक, और फिर वहाँ से मैं आपको है ना ये जो मेरा पीछे वाला नज़ारा है ना, वैसे तो आपको दिख रहा ही होगा लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से बताता हूँ, ठीक है, कि कैसा क्या है नज़ारा। ये देखो यहाँ पर तो अभी तो ताले लगे हुए हैं, बाकी भाई साहब ये देखो कितना बढ़िया नज़ारा है यार कॉलेज का। बीच में है महाराणा प्रताप वाटिका, उधर मेन रास्ता है, इधर है एक तरफ और इधर एक तरफ रास्ता है, ये देखो। तो अभी हमें ना उधर चलते हैं फिर इधर चलेंगे, ठीक है। इधर क्या है वो मैं, लाल बहादुर शास्त्री भवन, एक गेट इधर भी है एक उधर भी लिखा हुआ है, और ये है हमारे वो जो दिशा निर्देशक होता है ना, वो आर्ट्स ब्लॉक का है, स्टाफ रूम का है, छात्र कक्ष का है, सेमिनार कक्ष का है, प्राचार्य कार्यालय का है, पुस्तकालय का है, पुस्तकालय को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं इंग्लिश में वो होती है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी का वो सब इधर दिखा रखा है। तो चलते हैं इधर। ये देखो भाई साहब इस कॉलेज में जो है ना पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं यार, और अलग अलग तरह के हैं। ये देखो जो भी पेड़ पौधा है ना उसका बायोलॉजिकल नेम और हिंदी में नेम क्या है और इंग्लिश में क्या है वो सब लिखा हुआ है हर पेड़ पे लगभग। देखो भाई साहब यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है, यह है स्टाफ रूम, 1008वां रूम, भाई साहब क्या पता कितने रूम होंगे इस कॉलेज में, हो सकता है वो कोई कोड हो या फिर रूम नंबर हुआ, तो भी हो सकता है कि भाई स्टाफ रूम का नंबर है 1008। ये देखो भाई साहब जितना आप देखोगे ना उतना ही कम है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया नज़ारा हो रहा है यहाँ। ये देखो यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे हैं, बाकी इधर आप देख सकते हो इधर अलग अलग तरह के रूम हैं, सभी पर अपना अपना नाम लिखा हुआ है, और वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो। वाकई में यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, मैंने वहाँ पर भी देखा था, जो मेन गेट था ना वहाँ पर भी लगा हुआ था। और इधर है प्रिंसिपल ऑफिस जो कि लगभग 10 बजे के आसपास खुलेगा, ऐसा मुझे जब मैंने पूछा ना तब मुझे पता लगा। बाकी ये देख सकते हो कितना बढ़िया नज़ारा है, और भाई साहब ये देखो एक नंबर, ये कितना बढ़िया है यार, बगीचा कहो बाग कहो या वाटिका कहो जो भी आप कहना चाहो,
बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो लाइब्रेरी है ना, वो अभी आपको मैं बताना चाहूँगा। वो देखो उधर सामने है, कैमरा घुमाता हूँ उधर। ये देखो, ये है स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय, जिस ये लाइब्रेरी, ठीक है। ये देखो, और ये वाला जो गार्डन है ना, वो क्या, वो किसके नाम से है? वो है बोटेनिक गार्डन के नाम से है ये वाला गार्डन। ये सामने है आपके बोटेनिक गार्डन, इधर लाइब्रेरी, और इधर सारे सब कुछ जो भी कॉलेज में है। इधर तो हो गया हमारा लाइब्रेरी, अब इधर क्या है वो मैं आपको जाके बताता हूँ। वो जो सामने ना, वो तो है छात्र संघ कार्यालय, बाकी इधर है वनस्पति उद्यान, और यहाँ पर आपको जो पानी पीने के लिए जो सुविधा है वो मिल जाएगी फ्रीजर के साथ। बाकी इधर भी है कुछ रास्ता, इधर है, और ये है लाइब्रेरी। तो अब हम उधर चलते हैं। बाकी इधर तो पूरा है वो पार्किंग एरिया और छात्र संघ कार्यालय, ठीक है। अब उधर चलते हैं हम कि क्या है क्या नहीं है। ये है लाइब्रेरी, मैंने वैसे तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, लेकिन फिर वापस एक बार वापस दिखा देता हूँ बढ़िया व्यू। और उधर क्या क्या है, ये यहाँ पर आ गया है हमारे दिशा निर्देशक। यहाँ पे क्या क्या है आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन है, DAPJ अब्दुल कलाम भवन है, सर सीवी रमन भवन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भवन है, छात्र संघ कार्यालय उधर है, और 11 राजकीय आर्मी विंग यूनिट वो इधर है। तो पहले तो हम इधर चलेंगे, फिर देखते उधर से रास्ता वगैरह से घूम के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो भाई साहब, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, और ये देखो गिलहरी एकदम पास है ना। मुझे तो पहली बार मौका मिला है कि मैंने गिलहरी को जूम किया, बाकी तो कभी मिलती नहीं है गिलहरी, दिखती तो है लेकिन ऐसे कैमरा जूम करता हूँ तब तक कहीं पे भी भाग जाती है। बाकी यार मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी है, आपको कैसी लग रही है ये जीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना यार। बाकी मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा पहला दिन कब शुरू होगा, अब वो लेना चाहेंगे तो ज़रूर शुरू हो जाएगा, जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इधर तो है DAPJ अब्दुल कलाम भवन, जो कि हमारे वो जो थे ना मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम पर ये रखा गया है भवन का नाम। बाकी इधर भी हमें जो दिशा निर्देशक है वो मिल गए हैं। कंप्यूटर लैब है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सभी इधर है। इसका मतलब क्या है, अगर आप BSc बायोलॉजी से कर रहे हो तो जूलॉजी तो उसी में आती है, तो आपको इधर भी जाना पड़ेगा, ठीक है, कभी तो जाना ही पड़ेगा। बाकी इधर कौन सा भवन है, वो पेड़ आ गए हैं आडे, तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर जाके, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी है पानी पीने की सुविधा, ये देखते हैं। मुझे लग रहा है ये शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया होगा। हाँ ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन। बाकी और भी है उधर, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, और सभी पर उनका अपना नाम इंग्लिश में क्या है, बायोलॉजी में क्या है, और हिंदी में क्या, तीनों भाषा में, तीनों लैंग्वेजों में लिखा गया है। बाकी ये देख सकते हो इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं यहाँ पर, बहुत ही घने। तो अभी तो हम इधर चल रहे हैं, देखते हैं किसका मंदिर आता है। वैसे वहाँ पर तो जो दिशा निर्देश था ना पहले वाला, वहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं गया था कि क्या है क्या नहीं है, तो मंदिर के बारे में, तो देखते हैं किसका मंदिर है। ये देखो ये है दुर्गा माता जी का मंदिर, जो कि GCA कॉलेज के अंदर है। ओ भाई साहब ये देखो, मुझे लगता है ये सबसे पुराना पेड़ यही होगा बरगद का, और एक ही पेड़ होगा पूरे GCA में।
ये देखो, मुझे लग रहा है कि ये भी कोई गेट होगा शायद, शायद नहीं नहीं कोई भवन होगा, रामानुजन भवन, कमला नेहरू छात्रावास शायद इधर हो सकता है। बाकी ये है गणित विभाग इधर, और बाकी इधर तो हमारी जो माता रानी है उनका मंदिर है यहाँ पर। जब मैं वापस आऊँगा ना तब शायद आपको करवा दूँगा दर्शन, ठीक है। सोच रहा हूँ पहले करा दूँ यार दर्शन, ठीक है। चलो फिर जूते वूते सब खोल लिए हमने, चलते हैं। सबसे पहले हमें बालाजी का मंदिर मिला है, और एक और मंदिर है वो है हमारे भोले बाबा का, और एक और मंदिर है वो भी भोले बाबा का, और जो कि एक और मंदिर है बालाजी का, नहीं राम दरबार का है, राम दरबार के साथ बालाजी है ये देखो। बाकी जो गणपति बाप्पा का भी है मंदिर, और जो मेन मंदिर जिनके नाम पे मंदिर का नाम है ना वो है दुर्गा माता का मंदिर। ये कर लो दर्शन दुर्गा माता के। तो कैसा लग रहा है आपको ये जर्नी मेरे साथ बिताते हुए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है हमारी शीतला माँ, बाकी उधर भी चल के आते हैं, देखते हैं क्या, अब इतना आ ही गए हैं तो उधर भी चलते हैं। ये देखो इधर तो ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए है रास्ता, बाकी कुछ ऐसा है यहाँ पर, और सामने एकदम है दुर्गा माता के क्या बोलते हैं इसे शेर, हाँ इंग्लिश में लॉयन, और मारवाड़ी में कहे तो शेर, मारवाड़ी में बब्बर शेर, हिंदी में कहे तो शेर, वो है दुर्गा माता जी के मंदिर के सामने। ये देखो ये शेर और ये दुर्गा माता जी का मंदिर। तो अब चलते हैं मंदिर से उधर कि उधर क्या है क्या नहीं है, पूरा कॉलेज का करा ही रहे हैं तो मंदिर को क्यों छोड़े। तो अब जूते पहनते हैं यार पहले। दुर्गा माता जी का मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया है, अब इधर चलते हैं। इधर लिखा हुआ है प्रस्तावित पश्चिम, शायद पे का मतलब पश्चिम होगा, जवाहरलाल नेहरू क्या है, हाँ नेहरू खेल भवन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी इसके अंदर चलते हैं क्या क्या है। देखो हैंडबॉल कोर्ट है, कबड्डी कोर्ट है, खो खो ग्राउंड है, भाई साहब बहुत सारे खेलों के ग्राउंड इस कॉलेज में हैं। तो चलते हैं फिर अंदर। बाकी आज तो क्या यार क्या पता किस कारण से डीजे बज रहे हैं, तो बहुत ही तेज़ आवाज़ में यहाँ पर जो सॉन्ग होते हैं उनकी आवाज़ आ रही है। ये देखो कबड्डी का कोर्ट है, हैंडबॉल का कोर्ट है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो बाकी इधर तो देखो घर आ गए हैं सारे के सारे। एक और ये कार्यालय हो सकता है, मुझे लगता है ये शायद लास्ट कार्यालय होगा, बाकी वहाँ पर जाके ही आ जाते हैं ना यार क्या है क्या नहीं है, इतना आए ही हैं तो क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बताओ अभी। और ये जो सामने है ना ये है तारागढ़ वाली पहाड़ी, यहाँ से मैं आपको है ना तारागढ़ बताना चाहूँगा, ठीक है। मैं उधर चलता हूँ थोड़ा फिर बताता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई साहब अभी मैं बताने वाला हूँ आपको तारागढ़, यहाँ से ये जो सामने है ना वो है तारागढ़, तारागढ़ का वो क्या कहते हैं उसे पहाड़ जिस पर तारागढ़ है, और ये इधर है हेरिटेज ब्लॉक। तो बस इतना ही है इधर कॉलेज, और उधर शायद लास्ट होगा वो, हाँ उधर लास्ट भवन है। तो अभी वहाँ पर भी चलते हैं यार क्योंकि इतना घूम लिए हैं तो अब थोड़ा चलने में क्या जाता। ये देखो इधर जो हैंडबॉल है वो खेली जा रही है, सब खेल रहे हैं इधर। बाकी इधर है कौन सा, कमला नेहरू छात्रावास है इधर कॉलेज का, और इधर तो वो खेल ही रहे हैं हैंडबॉल
और कबड्डी का उधर रह गया और हैंडबॉल खेल रहे हैं इधर। ये देखो हैंडबॉल खेली जा रही है इधर। तो अब है ना हम उधर चलते हैं यार, वहाँ पर उधर चले ना। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा इधर भी एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कॉलेज के दायरे में है तो कॉलेज का ही होगा। जो वो पार्किंग एरिया ना उधर, तो वो वाला रास्ता रह गया है वो जो हमने छोड़ा है ना, उसको तो हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन है ना, उसी के सामने इधर है जो APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर भवन है ना, उसके अंदर चलते हैं। हमने जब पूछा तो उस हमने पाया कि इधर जो ज्योग्राफी भवन है वो भी और बहुत सारे भवन हैं। तो चलो फिर इसके अंदर चलते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ है कलाम भवन। भाई साहब कितनी बड़ी कॉलेज है यार, मैं तो थक गया बताते बताते ही। बाकी यार कुछ भी कहो, ये देखो ये है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जो कि अभी बंद है, शुरू होने वाला है 1 घंटे में, क्योंकि अभी 9 बजे हैं, 10 बजे के आसपास कॉलेज ओपन होती है, ऐसा मैंने जब पूछा तो पाया मैंने। बाकी ये देख सकते हो सभी पर अपने अपने नाम लिखे हुए हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन है ना वो तो उधर रह गया, और अभी तो हम आए हैं APJ अब्दुल कलाम भवन में। बाकी यहाँ पर है ना यार एक ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कि ऐसा लिखा हुआ है, जो रेगिंग होती है ना उसे यहाँ पर अपराध माना जाता है इस कॉलेज में, और अगर आप उस रेगिंग में पाए जाते हैं करते हुए तो आप पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, और उस कड़ी कानूनी कार्रवाई के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। स्वयं कौन? जो कि रेगिंग कर रहा है वो। ये देख सकते हो आप पूरा पोस्टर, और ये एक बार मैं आपको मोबाइल नंबर सारे बता देता हूँ। ये देखो अगर आपके साथ रेगिंग होती है या आप कहीं पर देखते हो तो यहाँ पर सूचित कर सकते हो GCM ऐसा यहाँ पर पोस्टर में लिखा हुआ है। बाकी भाई साहब केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, इधर लाइब्रेरी हो गई, ये देखो छोटी और है लाइब्रेरी, बायोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, बायोलॉजी नहीं होगा वो, हाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट हो गया। भाई साहब यहाँ पर तो कितने डिपार्टमेंट है, मेरा खुद का सर चकरा रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है यार। ये देखो इधर कोई अलग डिपार्टमेंट, उधर कोई अलग, पीछे अलग, और ये जो सामने कौन है देखते हैं एक बार, सर CV रमन है यहाँ पर जिनकी स्मृति बनाई गई है। बाकी उधर भी है एक डिपार्टमेंट, तो चलो फिर इतना आ ही गया हूँ तो दिखा भी देता हूँ यार। मेरा तो यार हाथ ही दर्द करने लग गया, बाकी इधर तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा हाथ ही दर्द करने लग गया यार बताते बताते। इतनी बड़ी होगी कॉलेज मुझे पता नहीं था। बाकी ये देखो ये जो सामने दिख रहा है ना ये है तारागढ़, ये जो टावर है ना ये तारागढ़ पर ही है। इधर केमिस्ट्री ऑफिस है, इधर लैब नंबर 5 BSc ऑनर्स बोलते हैं या ऑनर्स, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना यार, क्योंकि जो एज कब साइलेंट होता है वो मुझे पता नहीं है। ये देख सकते हो और इधर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिसर्च लैब, ठीक है तो इतना कुछ है इधर। बाकी उधर चलते हैं अब कि उधर क्या क्या है, एक बार वहाँ पर भी घूम के आते हैं क्या है क्या नहीं है। इधर तो यार जो BSc पार्ट 2 की लेबोरेटरी भी है, और BSc पार्ट 2 की एक लेबोरेटरी ये भी है, नहीं वो पार्ट 3 की है, ये पार्ट 2 की है, तो उधर पार्ट 1 की होगी क्योंकि लेबोरेटरी तो एक ही में होती है। नहीं 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 ये है MSc प्रीव कंप्यूटर लैब, इधर एक और है BSc पार्ट 1 फिजिक्स लैब, फिजिक्स है BSc की पार्ट 1 की। बाकी इधर तो कुछ ऐसा है, मैं नहीं जाना चाहूँगा यार उधर, क्योंकि अब क्या बताऊँ मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उधर मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊँ। इधर तो आपने इतनी सारी देख लिया तो एक का नाम तो आप खुद भी पता कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अभी उधर चलते हैं हम, जो पार्किंग वाला एरिया था ना उधर हमने एक रास्ता छोड़ा था वो देखते हैं अब, ठीक है।
हमने जो APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर जो भवन था उसमें जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सारे कवर कर लिए हैं। तो अब उधर चलते हैं, वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं उसे क्या कहते हैं, पार्किंग स्थान। वहाँ से एक और रास्ता है, वहाँ पर एक और भवन है शायद, मैंने उस निर्देशक में देखा था, वहाँ पर जो निर्देशक है ना बोर्ड उसमें देखा था। तो चलो फिर उधर चलते हैं। फिर जो उधर है ना, जब हम इधर आए थे तो उधर भी है एक जो महाराणा प्रताप वाटिका, उसके इधर तो आए हैं हम, अभी राइट में आए हुए हैं, और तो हम लेफ्ट में भी जाएंगे, उसमें भी उधर भी बहुत सारे भवन हैं। तो अब जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। बाकी इधर तो ये लाइब्रेरी वाला सेक्शन आ गया है, और अभी उधर चलते हैं पार्किंग एरिया के पास में, जो रास्ता जाता है ना, जो छात्र संघ कार्यालय है ना, उसके बीच से होके जाता है। देखते हैं वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। इधर तो हम पूरा टूर करके आ गए हैं। बाकी जो इधर डिपार्टमेंट है वो है NCC का डिपार्टमेंट, इधर छात्र संघ कार्यालय। बाकी उधर अब हम चलते हैं राइट का, तो मैंने पूरा लगभग आपको टूर करा दिया, अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो मुझे माफ़ करना यार, मैं तो इतना करा सकता था तो मैंने करा दिया टूर। बाकी अब हम चलते हैं कॉलेज के लेफ्ट साइड में, ठीक है। जो हम इतनी देर ऐसे ही चिंता कर रहे थे, आप तो क्या कर रहे थे, मैं ही कर रहा था कि उधर भी जाना है, लेकिन उधर तो कुछ भी नहीं है सिवाय कि गर्ल्स हॉस्टल है और एक NCC का एक और इधर सेंटर है इधर। बाकी जो एक और है देखो वहाँ पे, भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान विभाग, वो इधर है। बाकी इधर भी है पार्किंग एरिया। नहीं यार, जब पूछा ना जाके उधर, इतनी देर तो मुझे पता था कि इधर होता उधर हो, लेकिन मैं जब वहाँ पर उधर जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि जो ये मेन गेट है ना आपके सामने, इसके इधर एक और है, वो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, वहाँ पर है एक रूम नंबर बताया है, वहाँ पर होगा वेरिफिकेशन। मैंने आपको सारा टूर करा दिया इधर का, लेकिन मैं ये एक जो खेल परिसर है वो उसका टूर कराना भूल गया। ये है फुटबॉल फील्ड और क्रिकेट फील्ड। यहाँ पर यार अभी जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल है 2023 उसका शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। बाकी ये देख सकते हो इतना बड़ा मैदान है GCA का। भाई साहब अभी तो हम चल रहे हैं, वो देखो, एक तो मुझे एप्लीकेशन नंबर के लिए वो चाहिए था जो फॉर्म भरते हैं ना हम, उसके बाद में निकलता है वो मित्र वाला देता है, वो तो मैं लेके नहीं आया, उसके भी मैंने PDF मंगवाई है। बाकी अभी हम जा रहे हैं बधाई पत्र और वो जो PDF है ना एप्लीकेशन नंबर वाली, वो दोनों निकलवाने। तो चलो चल रहे हैं। मैंने तो यार जब पूछा ना किसी से कि क्या करना है क्या नहीं करना, तब मुझे पता लगा कि मैं वो एक चीज़ तो लिखना ही भूल गया। मैंने तो यार जो ये कॉलेज का दूसरा गेट है ना उसके सामने से इमेज से निकाल लिया, देखो बधाई पत्र, बाकी एप्लीकेशन वाले जो होते हैं ना फॉर्म, वो सारे निकलवा लिए हैं। अब चलते हैं कॉलेज और करवाते हैं अपना वेरिफिकेशन। बाकी ये है सेकंड गेट और इसके सामने ये वाला मित्र, यहाँ से करवाया है हमने। तो अब चलते हैं कॉलेज और जल्दी करवाते हैं वो क्या कहते हैं उसको, वेरिफिकेशन। जिस काम के लिए आए थे ना वो काम तो हो गया है, मुझे एक भैया मिले थे, उन्होंने मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो करवा दिया। बाकी यहाँ पर होता है जो नेहरू भवन है ना, यहाँ पर होता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप चाहे BSc मैथ के हो चाहे BSc के हो, अगर आप हो यहाँ BSc के तो आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करवा सकते हो। बाकी जो यहाँ पर होता है ना जैसे मेन गेट में इधर एकदम आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है, उधर आपको ये प्लेस मिल जाएगा जहाँ पर कि आप BSc में हो ना तो आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स का। वो देखो वो उधर है ना, उधर लेफ्ट साइड है। अभी मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। उधर तो रह गया नेहरू भवन और इधर है ये मेन गेट से जब आप लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे तब आपको मिल जाएगा वो नेहरू भवन और उधर करवा सकते हो आप पूरा। हेलो, ये सब यहाँ पे चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये इधर मैंने आपको सुबह इधर का पूरा टूर करा दिया है। बाकी ये है मेन गेट, इधर वेरिफिकेशन वाला,
और इधर जो भी सारा डिपार्टमेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब चलो अब चलते हैं अपने घर, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। अभी मैं आपको लास्ट बार एक बार वापस बता देता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का एक बार वापस से नज़ारा, ठीक है। पूरा टूर तो करा दिया लेकिन लास्ट बार देखने में अपना क्या जाता है। उधर रुकती है पूरे ब्यावर की बसें, और जो भी जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो वो यहाँ पर रुकती है गवर्नमेंट कॉलेज के पास में। बाकी ये है पूरा गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर का नज़ारा, जो कि अभी चुनाव है ना, तो अभी चुनाव स्पेशल है ये नज़ारा। चुनाव स्पेशल यहाँ पर इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं अभी अध्यक्ष के लिए और महासचिव के लिए।